तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करते हैं, और हम चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज करेंगे 5.2, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हम डील करने वाले हैं पाई चार्ट्स के बारे में, ठीक है। पाई चार्ट क्या है? एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है हमारे डाटा का, हमारे पास कोई भी डाटा होगा उसका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? पाई चार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्वे हैज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी, ठीक है। तो कुछ हमने सर्वे किया, हम एक जगह गए, हमने कुछ लोगों से पूछा, यंग पीपल से पूछा कि उनको कैसा म्यूजिक पसंद है, ठीक है। तो ये जो एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग, अब हमने जो भी पता किया है वो हमने कहाँ शो किया है? इस पाई चार्ट में शो किया है। अब ये पाई चार्ट क्या कह रहे हैं? जो ऑरेंज कलर का है, ये हमारे पास 10% लोग हैं और ये क्या पसंद करते हैं? क्लासिकल। ये 20% ब्लू कलर का है और इनको कौन सा पसंद है? सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। सबसे ज़्यादा 40% ग्रीन कलर का, इनको लाइट म्यूजिक पसंद है। और 30% के जो लोग हैं उनको फोक म्यूजिक पसंद है, ठीक है। तो ये इस चार्ट से हमें पता चलता है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है? हमें आंसर करना है पाई चार्ट से। इफ 20 पीपल लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी पीपल आर सर्वे। अब पूछा है कि अगर 20 लोगों को, 20 पीपल को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो हमारे पास सेमी क्लासिकल, सॉरी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो हमारे पास टोटल कितने लोग होंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हम मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो भी मेरे पास लोग थे जिनसे मैंने पूछा है, वो कितने थे? एक्स। वो कितने थे? एक्स। अब यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे कितने हैं अब क्लासिकल पसंद करने वाले? 10%। तो 10% ऑफ एक्स कितने के बराबर दे दिया हुआ क्वेश्चन में? 20 इज इक्वल टू 20, ठीक है। आप ऐसे ही लिखेंगे स्टेप वाइज। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करें, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब 10% का मतलब क्या है? इस 10% का मतलब क्या है? 10 बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 20। डन। अब क्या करना है? वेरी सिंपल, हम हमेशा करते आए हैं, सॉल्व करेंगे इसको, उधर लेके जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 2000। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। इक्वेशंस तो पिछले साल हमने सॉल्व करी थी ना, सिंपल इक्वेशंस फोर्थ चैप्टर। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट, इतना लिखा ना सबने, सब लिख लेना साथ के साथ, ठीक है, या बाद में वीडियो को पॉज कर करके बाद में लिख लेना, ठीक है, जैसा तुमको सूट करे। सेकंड पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ने कौन सा म्यूजिक पसंद किया है? तो चलो हम पाई चार्ट देख लेते हैं। हमारा पाई चार्ट ऊपर चला गया है। सबसे ज्यादा कौन सा है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वाला कौन सा है? लाइट म्यूजिक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? सिंपल, लाइट म्यूजिक, ठीक है। लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हो, लाइक्ड बाय मोस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। मोस्ट लिख सकते हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। हैंड राइटिंग को अवॉइड करना, क्योंकि कंप्यूटर में लिखने का आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? इफ द कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, ठीक है। तो अब एक कैसेट कंपनी है जिसको 1000 सीडीज बनानी है, ठीक है, तो वो हर एक किस्म की कितनी सीडी बनाएगी, ठीक है। तो अब हमने देखो, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था जहां हमने एक्स माना था कि टोटल नंबर ऑफ वो जो हो जाएंगे, तो अब टोटल नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास? 1000, ठीक है, और मुझे पता कर लेना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, फर्स्ट वाला हम पता करेंगे क्लासिकल का, ठीक है। तो क्लासिकल म्यूजिक का पता करेंगे, कितना है क्लासिकल म्यूजिक? 10% ऑफ 1000, कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं,
10/100 into 1000, ठीक है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया 100। तो मुझे क्लासिकल की कितनी सीरीज बनानी पड़ेंगी, 100। ये यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा नीचे चल दें, ग्राफ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, देखो मेरे को याद हो गया। तो अब हम चलते हैं सेमी क्लासिकल के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा हमारा कौन सा है, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल मेरा कितना था, 20% था, है ना। तो 20% ऑफ 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20/100 into 1000, क्लियर है ना इतना। तो दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, और तो कितना बचेगा, 200 सीडीज मेरे को कितनी बनानी पड़ेंगी सेमी क्लासिकल की, 200 सीडीज। अब चलते हैं फोक म्यूजिक की तरफ, फोक म्यूजिक, ठीक है। फोक म्यूजिक मेरे पास कितना था, फोक म्यूजिक मेरे पास था 30%, 30% ऑफ 1000। सेम प्रोसेस कर रही हूँ, अब तो समझ में आई क्या होगा, अब तो तुम मेरे से भी पहले कर सकते हो। देखो जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, कैलकुलेशंस थोड़ा जल्दी करना है और सही करना है, कैलकुलेशंस सही करना है और जल्दी करना है, ठीक है। तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो काट दिया और मेरे पास बच गया 300, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट छोड़ दूँ तुम लोगों के लिए, करोगे खुद या मैं ही करके दिखाऊँ, सब मेरे से करा लो, ठीक है। सो लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, 40%, ठीक है, 40% ऑफ 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 40/100 into 1000। तो जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 400, ठीक है। और अब इन सबको ऐड करोगे, 100 + 2000 + 3000 + 400, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पूरा 2000 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा कितना आ जाएगा मेरे पास, 2000 आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे को, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इशू भी। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे पास, देखिए। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी विंटर एंड समर। तो कुछ लोगों का एक ग्रुप था जिससे पूछा गया, जिसमें 360 लोग थे, 360 लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, ठीक है। तो उस आधार पर हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स। तो देखो आपके पास यहाँ पर टेबल है, ये टेबल दिख रहे, समर को 90 मिले, रेनी को 120 और विंटर को 150। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, विंटर। सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिले हैं, विंटर सीजन को मिले हैं, ठीक है। और कितने वोट्स मिले हैं, 150। व्हाट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो अब हमें यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है, क्योंकि पाई चार्ट में ही मेरे पास एंगल्स आते हैं और सेंट्रल एंगल्स आते हैं। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो टेबल बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं मेरे पास, यहाँ पे 90, 120 एंड 150। तो टोटल सम कितना हो गया मेरे पास, 360, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पाई चार्ट बनाना सीख रहे हैं। अब कोई भी सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, तो कोई भी सर्कल का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, विच इज इक्वल टू 360। अगर पूरा सर्कल बन गया तो कितना होगा मेरे पास एंगल, 360। डन, ये भी समझ आ गया। अब देखो टेबल बनानी है, टेबल बनाएंगे यहाँ पर, इसी टेबल को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देती हूँ, ताकि इसी में मैं लिख सकूँ, ठीक है। इसी में यहाँ पर इनके एंगल्स लिख देंगे, ठीक है, ये टेबल ऐसे ही, और यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगी एंगल्स और वो यहाँ पर लिख दूंगी। अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एंगल, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, समर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो समर के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो समर का कितने लोगों ने वोट किया था, 90 लोगों ने। टोटल मेरे पास कितने लोग थे, 360, और टोटल एंगल कितना होता है मेरे पास, 360। इसका कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 360 गेट कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया एंगल, 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल्स, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं रेनी सीजन का, रेनी सीजन का एंगल कितना आ जाएगा। अब तो तुम देख के ही बता सकते हो, देखो 120 इसका है, टोटल कितना है मेरे पास, 360, और एंगल भी टोटल कितना होता है, 360। तो ये तो 360 फिर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना एंगल आ गया, 120 डिग्री का।
कैलकुलेट नहीं करेंगे, जल्दी से लिख देंगे हमारे पास कि कितने का है हमारा एंगल 150 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख दो पहला एंगल 90 डिग्री का, फिर 120 डिग्री का, और फिर कितना है 150 डिग्री का। ठीक है, अब बनाने को कह रहा है, कह रहा है हाँ ड्रॉ द पाई चार्ट एज वेल। तो अब हमें पाई चार्ट बनाना भी पड़ेगा। देखो मैं तो बना नहीं सकती हूँ पाई चार्ट, क्योंकि मेरे पास तो इसमें कंपास नहीं है, पर मैं सिखा सकती हूँ। ठीक है, सिखाना कैसे है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लेना है। ठीक है, ये पॉइंट लेना है, और पॉइंट लेने के बाद एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ये गलत हो गया, यहाँ बनाती हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ से समझाती हूँ, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल बना लिया, सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर से एक रेडियस खींच लो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर रखो अपने डी को, सबके पास डी है, डी। ठीक है, डी को रखो और डी से 90 डिग्री का एंगल बना लो। 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाना कि इस सर्कल को कट, इस सर्कल में कहीं पे उस पॉइंट को टच करें। ठीक है, तो जैसे 90 डिग्री तो बहुत ही आसान है, सर्कल का 1/4 करना है, तो हम यहाँ पर 1/4 इसका 1/4 कर देते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर नेक्स्ट जो बनाना है वो 120 डिग्री का बनाना है, तो इस लाइन के यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और एक एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का, ये तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको, आपके पास डी होगा उससे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द पाई चार्ट। वो पाई चार्ट बनाना है इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के लिए, तो पाई चार्ट इज योर होमवर्क, वो तुम बनाओगे। यहाँ पर एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 36। ठीक है, अब इसी टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा के एंगल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल्स कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कैलकुलेट कर लिए, तो सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ब्लू के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ब्लू का मतलब क्या है, 18, टोटल कितना है 36, और टोटल एंगल कितना होता है मेरे पास बताया था मैंने 360, तो कट गया, और ये कितना हो जाएगा 10, तो विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो ब्लू का आ गया 180 डिग्री। अब ग्रीन का कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे, ग्रीन आ जाएगा 9/36 × 360, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट रेड का जो एंगल आएगा 6/36, 360 कट जाएगा, देखो सेम ही रख रही हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 60 डिग्री, डिग्री लगाना मत भूलना। और फिर येलो के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 3/36 × 360, विच इज़ इक्वल टू 10/30 डिग्री। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाने के लिए सर्कल, रेडियस यहाँ पे 180 डिग्री तो पूरा ये बन जाएगा, फिर 90 डिग्री ये बन जाएगा, और एक एंगल छोटा और एक एंगल बड़ा बन जाएगा। तो ये 60 डिग्री का, ये 180 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, एंड दिस वन इज 30 डिग्री। ठीक है, तो कुछ ऐसा पाई चार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव यू द स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, तो पांच सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट्स का यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, तो टोटल मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स ने कितना ऑब्टेन किया है, 540। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे इसमें पता करना है एंगल्स पता करने हैं ना। अच्छा हाँ, सेंट्रल एंगल्स कुछ पता करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल्स पता करते हैं हम। चलो एंगल्स पता करते हैं, एंगल्स कैसे पता करेंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके सर, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अच्छा, तो 105 मार्क्स किस में स्कोर किया है वो पता करना है। हाउ मेनी, तो चलो पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाने के बाद ही पता करेंगे। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले हम बना लेते हैं मैथ्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का एंगल कितना है 90 डिग्री, मैथमेटिकल का एंगल कितना है 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना होता है 360
360 और मेरे पास टोटल मार्क्स कितना है 540। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर लो और आंसर निकाल लो। यहाँ पर कट जाएगा, दिस बिकम्स 4, ये 4 से कट जाएगा, कट रहा है, कट रहा है, और कटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 135। कितना आंसर आ जाएगा 135। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय मैथ्स इज इक्वल टू 135। और मैथ्स में तो नहीं है भाई 105। चलो तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में मेरे पास कितना है 65 बाय 360 इंटू 540। ठीक है, तो अब इस सोशल साइंस के मार्क्स मुझे बता दो जल्दी से कितने होंगे। सोशल साइंस में मार्क्स कितने ऑब्टेन किए बच्चे ने, विच इज़ इक्वल टू, अब ये आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा, ये आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। तो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, सोशल साइंस का कैलकुलेट कर रहे थे, तो देखिए सोशल साइंस का कैलकुलेट किया, ये आया 97 बाय 97.5। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट किया हिंदी का, हिंदी का एंगल यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है, ये दे रखा है 70 डिग्री का, तो ये लिखा 70। टोटल एंगल कितना होता है 360। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मेरे पास कितना दिया हुआ है 540। तो इसको 9 के टेबल, 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से 0 को काट के 9 के टेबल से काट रही हूँ, ये 0 रहेगा, हाँ जी, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर मैंने इसको, आप चाहो तो इसको सीधा काट दो, 2 की टेबल से काट दो, दिस बिकम्स 35। फिर काट दो, इसको काट दो 3 से, तो 35 इंटू 3 इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट किया, ऐसे ही साइंस का कैलकुलेट किया वो 120 आया, इंग्लिश का कैलकुलेट किया तो 82.5 आया। तो तीनों के हमारे पास मार्क्स आ गए हैं, मैथ्स में मार्क्स आए थे 135, सोशल साइंस में मार्क्स आए थे 97.5, हिंदी में आए थे 105, साइंस में 120 और इंग्लिश में 82.5। अब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। अब किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 किया है स्कोर, तो अभी हमने कैलकुलेट किया है हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा स्कोर किया, मैथमेटिक्स का स्कोर है 135 और हिंदी का स्कोर है 105, दोनों को माइनस कर देते हैं और उसके बाद कितना ज़्यादा स्कोर किया है, 30 ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, तो 30 ज़्यादा स्कोर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। अब कह रहा है कि सोशल साइंस और मैथ्स का ऐड करेंगे और हिंदी और साइंस का ऐड करेंगे, हिंदी और साइंस का, तो किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं 135 एंड 97.97, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए आपको अच्छे से दिखाई देगा, हाँ यहाँ पर देखिए, तो मेरे पास मैथ्स के मार्क्स थे 135 प्लस 97.5 सोशल साइंस के मार्क्स थे, तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे 232.5। ठीक है, ये किसका हो गया, मैथ प्लस सोशल साइंस। अब मेरे पास साइंस प्लस हिंदी का करना है, तो साइंस प्लस हिंदी का, हिंदी में कितने थे 105 और साइंस में कितने थे 120, अब इनको ऐड कर लो तो ये कितने हो जाएंगे 225। अब किस में ज़्यादा मार्क्स हैं, बिल्कुल ज़्यादा है, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर, तो सोशल साइंस और मैथ्स में जितने भी मार्क्स हमने स्कोर किए हैं उनका सम ज़्यादा है हिंदी और साइंस से। तो ऐसे ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद एक क्वेश्चन और बच रहा है, हाँ एक क्वेश्चन और बच रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द गिवन चार्ट। अच्छा, एक चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, अच्छा पाई चार्ट बनाना है, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाना तो आसान ही है, डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास एंगल्स, एंगल कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का एंगल कैलकुलेट करना है, कितने लोग बोलते हैं 40, टोटल कितने हैं 72, एंगल कितना होता है टोटल 360। अब काट दो, किसके टेबल से काटोगे, 9 के टेबल से काट दो, दिस इज 8 जा, दिस इज 40। फिर किसके टेबल से काटोगे, 4 के टेबल से काट दो, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 10,
काट दो 5, अच्छा 5 आएगा, चलो भाई 5 × 40 तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ऐसे ही हम इंग्लिश का करेंगे तो एंगल कितना आ गया मेरे पास 200, इंग्लिश का कितना आ जाएगा 12/72 × 360, ये कट जाएगा सीधा 5 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, इंग्लिश का 60 डिग्री का आ जाएगा। मराठी, मराठी कैल्क कितने करते हैं 9/72 × 360 तो ये कट गया 5 सा और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तमिल, तमिल बताओ भाई, तमिल 7 × 72/360 और ये 5 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब बंगाली, बंगाली जो है वो 4/72 × 360 और ये कट जाएगा 5 तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एंगल्स लिख लो सारे। पहले वाला एंगल कितना है 200 डिग्री का है, फिर 60 का, फिर 45 का, फिर 35 का, फिर 20 का, ठीक है। अब यहाँ पर बना लो, ठीक है। तो पहला जो पहले ये खींचेंगे लाइन, ठीक है, 200 डिग्री का है का मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है, फिर 90 डिग्री के आधे का बनेगा, यहाँ पर ये 45 डिग्री बन गया, ये 200 डिग्री का बन गया, ये 60 डिग्री का बन गया, और बीच में दो बन जाएंगे, एक 35 का और एक 20 डिग्री का, तो इससे बन जाएगा हमारा पाई चार्ट, ठीक है। तो इससे ये एक्सरसाइज सॉल्व होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।